वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो इसके सबसे पहला है एड्स अकर बाय विच कॉजेस। एड्स में क्या होता है, एड्स होता किससे है, एचआईवी वायरस से होता है और उसमें क्या होता है। पहला ऑप्शन है क्या उसमें टी हेल्पर सेल के नंबर्स रिड्यूस हो जाते हैं या फिर किलर टी सेल्स के नंबर रिड्यूस हो जाते हैं या फिर ऑटो इम्यून डिजीज उसे हम कहते हैं या फिर उसमें जो है इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। एड्स में जैसे कंटिन्यूअस एचआईवी वायरस हमारी बॉडी को डैमेज करता है, जब कंटिन्यूअस एचआईवी वायरस हमारी बॉडी को डैमेज कर रहा है इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में जो हेल्पर टी सेल्स होती हैं उनके नंबर्स डिक्रीज हो जाते हैं। तो एड्स में पर्टिकुलर क्या होता है, हेल्पर टी सेल्स के नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्कोहल इज मोस्ट सोशली एक्सेप्टेड नार्कोटिक ड्रग्स। सबसे ज़्यादा अल्कोहल का जो है यूज किया जाता है और एक प्रकार का ये नार्कोटिक ड्रग होता है। एक्सेसिव कंजक्शन ऑफ अल्कोहल लेड टू, अगर बहुत ही ज़्यादा जो अल्कोहल का यूज कर रहा है उसको क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है क्या उसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी या फिर उसे लीवर सिरोसिस हो जाएगा या फिर उसे हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर जो है उसके ब्रेन का फंक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। जो भी पर्सन अल्कोहल का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें क्या होता है, उनका जो लीवर होता है वो पूरी तरीके से डैमेज होता है। तो मतलब कौन सी डिजीज होती है, लीवर सिक्रोसिस होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मैक इज अ ड्रग ऑप्टेन फ्रॉम, इसमें क्या है एक प्रकार का ड्रग है इसको ऑप्टेन किससे किया जाता है, क्या इसे लैटेक्स ऑफ द पेपर सोमनीफेरम के लैटेक्स से ऑप्टेन करते हैं या फिर इसे कैनाबिस स्टीवा के लीफ से ऑप्टेन किया जाता है या फिर इसे धतूरा के फ्लावर से ऑप्टेन किया जाता है या फिर इसे रेथ्रोजाइलम कोका के फ्रूट से ऑप्टेन किया जाता है। स्मैक को किससे ऑप्टेन किया जाता है, स्मैक किसमें आता है, ओपॉइड में आता है और उसको ऑप्टेन किससे किया था, लैटेक्स ऑफ द पैपमर सोमनीफेरम। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल इन अ वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट द अदर सेल फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन इज, ऐसी कौन सी सेल होती है जब उस पर वायरस इन्फेक्टेड कर देता, मतलब वो सेल जो है पूरी तरीके से वायरल इन्फेक्टेड हो चुकी है और वो क्या करेगी, एक प्रकार की प्रोटीन सिक्रीट करती है और वो प्रोटीन क्या करती है, जो नॉर्मल सेल होती है जिसमें वायरल का इन्फेक्शन नहीं हुआ है वो उस नॉर्मल सेल को प्रोटेक्ट करती है। तो हमें उस सेल का नाम बताना है, क्या उसमें सेरोटिन हेल्प करता है या फिर कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है या फिर इंटरफेरॉन करता है या फिर हिस्टामाइन करता है। बुक में दो जगह पे इंटरफेरॉन है, एक पे यहाँ पे एक जगह पे अल्फा इंटरफेरॉन है। ये अल्फा इंटरफेरॉन जो होता है वो कैंसर सेल के जब ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है उसको डिस्ट्रॉय करता है और ये जो इंटरफेरॉन सिर्फ इंटरफेरॉन लिखा है ये एक प्रकार की ऐसी सेल होती है जो मतलब जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो एक प्रोटीन सिक्रीट करता है जिसका नाम है इंटरफेरॉन और ये इंटरफेरॉन जो आसपास की नॉर्मल सेल होती हैं जिसपे वायरस इन्फेक्टेड नहीं किया है वो उसको क्या करती, प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीविनोम अगेंस्ट स्नैक पॉइजन इज, जब सांप काटता है उसके अगेंस्ट हमें क्या दिया जाता है, एंटीविनोम दिया जाता है। तो इस एंटीविनोम में क्या प्रेजेंट होता है, क्या उसमें एंटीजन होता है या फिर उसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है या फिर उसमें एंटीबॉडी होता है या फिर एंजाइम होता है। जब हमें स्नेक काटता है तो हमें एंटीविनोम दिया था और इस उस एंटीविनोम में क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। किससे फाइट करने के लिए, उस स्नेक के विनोम से मतलब पॉइजन से फाइट करने के लिए, इसके स्नेक के एंटीजन से फाइट करने के लिए। तो उनको क्या दिया था, एंटीबॉडी दिया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फॉइड टिश्यू, इन चार में से ऐसा कौन सा है जो लिम्फॉइड टिश्यू में नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन है स्प्लीन, मतलब लिम्फॉइड टिश्यू क्या होता है, ऐसी टिश्यू जो पैथोजन से फाइट करती, मतलब जब बॉडी में कोई पैथोजन इंटर करेगा किसको किल करने के लिए, डिजीज को किल करने के लिए, पैथोजन को किल करने के लिए। तो ऐसी कौन कौन सी सेल है जो लिम्फॉइड टिश्यू की तरह एक्ट करती है, मतलब बॉडी में जब कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो उससे वो फाइट करती है। तो उसमें हमारा स्प्लीन हेल्प करता है, टॉन्सिल भी हेल्प करता है और हमारा थायमस भी करता है। पैनक्रियास का तो बस यही काम है ना, एंजाइम का सिक्रीशन करना, फूड के डाइजेशन में हेल्प करना, और कोई काम तो करता नहीं है। तो इसमें बाकी ये तीन है, स्प्लीन, टॉन्सिल और थायमस, ये तीनों लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, बट पैनक्रियास हमारा लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज इन साइज, लार्ज साइज एट बर्थ। ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिसकी साइज लार्ज होती है बर्थ के समय बट उसकी साइज जो है एज के अकॉर्डिंग क्या होती है रिड्यूस हो जाती है। तो पहला ऑप्शन ये क्या पाइनल ग्लैंड है या फिर पिट्यूटरी या फिर थाइमस या फिर थायरॉयड। हम लोग ने 11th क्लास में केमिकल वाले चैप्टर में पढ़ा है कि थाइमस ही एक ऐसी ग्लैंड होती है जिसकी साइज जो है वो बर्थ के समय लार्ज होती है, धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग उसकी साइज रिड्यूस हो जाती है। इसी वजह से मतलब जैसे हम 50 ईयर तक होते हैं या 40 ईयर तक होते हैं मैक्सिमम, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है स्ट्रांग होता है। धीरे 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 ऐसे एज बढ़ते 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 क्या होता है हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से वीक हो जाता है। मतलब धीरे 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 थाइमस की साइज क्या हो रही रिड्यूस हो रही है। तो एज के अकॉर्डिंग किसकी साइज रिड्यूस होती है दैट इज थाइमस। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ रिंगवॉर्म। इन सब में से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रिंगवॉर्म नहीं कॉज करता है। तो रिंगवॉर्म जो है वो ट्राइकोफाइटॉन से होता है, इपिडर्मोफाइटॉन से होता है और मैक्रोस्पोरम से होता है, ना कि माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम से जो है रिंगवॉर्म नहीं होता है, किससे होता है ट्राइकोफाइटॉन, इपिडर्मोफाइटॉन और मैक्रोस्पोरम। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रिंगवॉर्म नहीं कॉज करता है दैट इज माइक्रोस्पोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय। इन चार में से ऐसा कौन सा पैथोजन है जो कॉमन कोल्ड कॉज करता है। क्या राइनोवायरस से होता है या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से क्या होता है, नाम से ही पता चला निमोनिया होता है। सेल्मोना टाइफी से क्या होता है, सेल्मोना टाइफी से जो है टाइफाइड होता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से क्या होता है, मलेरिया कॉज करता है। बचा क्या राइनोवायरस, और हमारा राइनोवायरस क्या कॉज करता है कॉमन कोल्ड। सो द करेक्ट आंसर इज ए। तो हमने इसी पहला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ स्पर्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पेनिट्रेटिंग द एग मेम्ब्रेन। स्पर्म का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो एग होता है उसके अटैचमेंट में। मतलब जब एग जो है फीमेल से जो है मेल में आता है तो उस समय तो स्पर्म का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि जो है किससे अटैच होता है, एग से अटैच होता है। तो पहला ऑप्शन है एलोसोम, दूसरा ऑप्शन है क्या टेल, या तीसरा है ऑटोसोम और चौथा दिया एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम के पास एंजाइम प्रेजेंट होता है जो है ये क्या करता है, एक्रोसोम के पास जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो फर्टिलाइजेशन में तो हेल्प करता है, साथ साथ में जो है स्पर्म के पेनेट्रेशन में भी हेल्प करता है कि एक आ चुका है अब स्पर्म जो है वो एक से क्या होगा अटैच होगा, उसके बाद अब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो कौन सा पार्ट स्पर्म का हेल्प करता है अटैचमेंट में, दैट इज एक्रोसोम। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज इन ओसाइट सेकेंडरी मैचुरेशन अगर इन ओसाइट में सेकेंडरी मैचुरेशन जो है वो कहाँ पे होता है, मतलब कौन से पार्ट में होता है। पहला ऑप्शन है क्या ओवरी में होता है, दूसरा ऑप्शन है क्या एब्डोमिनल कैविटी में होता है, तीसरा ऑप्शन है क्या फेलोपियन ट्यूब में होता है, चौथा ऑप्शन दिया क्या यूट्रस में होता है। ओसाइट में सेकेंडरी मैचुरेशन जो है वो किस में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। किस में होता है फैलोपियन ट्यूब में। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिसाइड एक्टिवेटिंग द एग एंड अदर रोल ऑफ अ स्पर्म इज टू कैरी टू एग। मतलब जो एग होता है उसका मतलब ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि एक एंड अदर रोल ऑफ द स्पर्म टू कैरी द एग, मतलब और कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करता है स्पर्म के अलावा, मतलब जो एग होता है वो और कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। पहला ऑप्शन है आरएनए, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन है डीएनए, चौथा ऑप्शन राइबोसोम। मतलब कि जैसे कि कैरेक्टर के ट्रांसमिशन में कौन सा पार्ट हेल्प करता है उसका हमें नाम बताना है। तो जब कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होगा मतलब दोनों आपस में मिक्स होते हैं, अटैच होते हैं कौन कौन से, एक स्पर्म होता है और एक एग, दोनों जब आपस में अटैच होते हैं उन दोनों के अटैचमेंट में अटैच होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो अब और कौन कौन सा रोल वो परफॉर्म करेगा, मतलब कैरेक्टर किस तरीके से एक्सप्रेस होंगे, इन सब में जो है कौन हेल्प करता है, डीएनए हेल्प करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम इज। स्पर्म का जो प्रिपरेशन होता है पेनिट्रेशन होने से पहले, मतलब स्पर्म बन रहा है अभी वो एग के साथ पेनिट्रेट नहीं हुआ है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्या उसे स्पर्मिएशन बोलते हैं,
या फिर उसे कॉर्टिकल रिएक्शन बोला जाता है, या फिर उसको जो है स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, या फिर उसे कैपेसिटेशन बोलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन इज नोन एज स्पर्मिएशन, मतलब जो स्पर्म प्रिपेयर हो रहा है, स्पर्म बन रहा है पेनिट्रेशन होने से पहले, ओवम से पेनिट्रेट होने से पहले, उसे बोला जाता है स्पर्मिएशन। नेक्स्ट इज स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, स्पर्मिएशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है स्पर्म का रिलीज, मतलब जो स्पर्म रिलीज हो रहा है उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। तो स्पर्म का रिलीजन कहाँ से होता है, मतलब स्पर्म कहाँ से रिलीज्ड होता है, तो पहला ऑप्शन दिया है क्या वो सेमनिफेरस से रिलीज होता है, या फिर वाल्स डिफेंस रिलीज होता है, या फिर इपिडिडाइमस से रिलीज होता है, या फिर वो प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होता है। स्पर्मिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म, स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्म का रिलीज होना, उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। और स्पर्म कहाँ से रिलीज होता है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है। तो स्पर्म कहाँ से रिलीज होता है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड, इन चार में से ऐसा कौन सा है जो कि मेल एसेसरी ग्लैंड से बिलोंग नहीं करता है, सेमिनल वेसिकल करता है, बल्बुथुअर ग्लैंड भी करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी करता है, बट एम्पुला जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसमें, तो यही एक ऐसा पार्ट है जो कि मेल एसेसरी ग्लैंड से बिलोंग नहीं करता, बाकी ये तीन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम, इन चार में से ऐसा कौन सा जिसके पास 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, क्या स्पर्मेटोगोनिया के पास होता है, या फिर जायगोट के पास होता है, या फिर सेकेंडरी ओसाइट के पास होता है, या फिर ओगोनिया के पास होता है। 23 क्रोमोसोम जो है वो किसके पास होता है, सेकेंडरी ओसाइट के पास। अगर पूछा जाए 46 क्रोमोसोम किसके पास होता है, तो वो प्राइमरी ओसाइट के पास प्रेजेंट होता है, और 23 क्रोमोसोम किसके पास होता है, सेकेंडरी ओसाइट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नॉट सिक्रीटेड बाई प्लेसेंटा, इन चार में से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि प्लेसेंटा सिक्रीट नहीं करता है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है SCG, दूसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन, तीसरा है प्रोजेस्ट्रॉन और चौथा है LH। SCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये तीनों हार्मोन हमारा प्लेसेंटा सिक्रीट करता है, बट LH हार्मोन प्लेसेंटा सिक्रीट नहीं करता है। तो इसमें यही पूछा गया था प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन सिक्रीट नहीं करता, तो कौन सा नहीं करता, LH नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूट्रिटिव सेल फाउंड इन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इज, ऐसी कौन सी सेल है, या ऐसे हम बोल सकते हैं ऐसी कौन सी सेल है जिसको नरसमेंट सेल बोला जाता है या नरस सेल बोला जाता है, जो स्पर्म के नरसमेंट में हेल्प करते, तो उसका नाम है सर्टुलाई सेल। सर्टुलाई सेल को जो है नरस सेल बोला जाता है, ये क्या करती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, किसको न्यूट्रिशन देती है, स्पर्म को देती है, तो सर्टुलाई सेल को क्या बोला जाता है, सर्टुलाई सेल को या हम बोल सकते हैं न्यूट्रिटिव सेल, या हम उसे बोल सकते हैं नरस सेल। क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये स्पर्म को क्या करती है, ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है, किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में, क्या करने के लिए, ताकि वो ईजली जो है मूव करके किसके पास आ सके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो हमने इस पूरे लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कस किया, आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और बहुत सारे MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।